नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ताजा खबरों पर। केरल में निपा वायरस के अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। यह वायरस जानवरों से इंसानों और इंसानों से इंसानों में फैल सकता है, इसीलिए खतरा काफी ज्यादा है। चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग के बाद अब वहां के रक्षा मंत्री ली शांगफू का भी कोई अता पता नहीं है। उन्हें सार्वजनिक रूप से करीब 2 सप्ताह से अधिक समय से नहीं देखा गया है। ऐसे में अब ली से रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वहीं उन्हें जांच के दायरे में रखा गया है। भूमि विवाद में बृहस्पतिवार की रात कौशाम्बी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। झोपड़ी में सो रहे बेटी, दामाद और ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कई घरों को फूंक दिया गया है। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। पहाड़ी पर छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अंतिम प्रहार की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके ठिकाने पर ड्रोन से विस्फोटक गिराया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आमपाली ड्रीम वैली निर्माणधीन सोसाइटी में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जिस समय हादसा हुआ लिफ्ट में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 5 की हालत खराब है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा में पूर्व भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस विधायक मामन खान को पुलिस ने गुरुवार को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। आज कांग्रेस विधायक को SIT अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज और जब्त कर ली है। अधिकारियों ने बताया है कि कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जेल में सुरक्षा को लेकर पार्टी चिंतित है। इसको लेकर तेलुगुदेशम पार्टी TDP के जिला अध्यक्ष किमेदी नागार्जुना ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनको अपराधियों और माओवादियों से धमकी मिल चुकी है, वो भी इसी जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लक्षद्वीप प्रशासन के उस फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें बच्चों को स्कूल के मिड डे मील से चिकन समेत सभी मांसाहारी खाने को अलग करने का फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, यह वह तय नहीं कर सकता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के बर्थडे पर गुजरात में 30,000 छात्राओं को स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत में आवास पर लाया गया है। इसके बाद मेजर के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बिझोल ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और पिता लालचंद व चचेरे भाई मेजर विकास ने उनको मुखाग्नि दी। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, रामचरितमानस में पोटाशियम साइनाइड है, जब तक यहाँ रहेगा तब तक इसका विरोध करता रहूंगा। शाहरुख खान के फैंस की कमी नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा फैन सामने आया है, जो वेंटिलेटर के साथ उनकी फिल्म जवान देखने के लिए थिएटर पहुंचा है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।